वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है इस बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, और कैसे आता है रेट एक्सप्रेशन, कौन कौन से इसके अंदर टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारी चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप करके वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या कंडीशन होती है जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है। कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो वहां पर रिएक्टेंट हमेशा घटता है और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है। यही कंडीशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड होने पर। चलिए तो इसी को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्रेस किया हुआ है। इस वाई एक्सिस पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ये वाई एक्सिस पर है। या एक्स एक्सिस पर जो है इस साइड, तो ये यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया टाइम इन मिनट। तो ठीक है, जो बात मैंने बोली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट घटती है बढ़ती है, उसको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन किया गया। देखिए यहां पर जो आपको दिख रहा है टॉप टू बॉटम, ये क्योंकि यहां कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, तो हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। पर ध्यान रखना इस कभी भी एक्सिस से ओवरलैप नहीं करेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती, अप्रोक्सीमेट जीरो होती है। आप हमेशा इसको पैरेलल टू एक्सिस दिखाना है। वहीं अगर मैं यहां बात करूं डॉटेड लाइन की, तो डॉटेड लाइन की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रही है, और यह धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ती है, और एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये दोनों जो लाइनिंग ग्राफ है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। इस कंडीशन को आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे आपकी कंसंट्रेशन बदल जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन पर अगर हम अप्लाई करें लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उससे कौन सी इक्वेशन बनती है रेट निकालने की। चलिए बात करते हैं। देखिए हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, सपोज स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस, इसको और छोटा कर लेते ताकि सही दिखे, स्मॉल डी और कैपिटल डी। तो ये हमने हाइपोथेटिकल इक्वेशन कंसीडर की हुई है, इसकी मदद से आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग इसे मतलब एक्सप्लेन करते हैं। तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए हम लोग इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल जो रिएक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, और जो इन पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे होते हैं ए और बी स्मॉल वाले, ये इनके पावर में रेज हो जाते हैं। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यहां पर। तो अगर यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाएगा ये, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है इस बारे में। तो यहां पर आप लोगों को बताया जाता है कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि केमिकल रिएक्शन का यहां पर अगर रेट एक्सप्लेन करना है तो ये ए और बी इन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, और एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि ए और बी यहां पर ये इनको चेंज करके कुछ दूसरे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया, एक्स और वाई लगाया गया, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है किसी भी रिएक्शन में। तो देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए यहां पर हम रेट लिखते हैं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर द एक्स एंड वाई आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप बनाएंगे, तो रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, जहां पर एक्स क्या होता है, एक्स को बोलते हैं हम लोग रेट कॉन्स्टेंट,
या तो इसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, या दूसरा नाम होता है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसके तीन नाम होते हैं, ध्यान रखना, और कभी भी आप लोगों से वेरी शॉर्ट में ये नाम पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके नामों को बड़ा ध्यान से समझें और ध्यान से समझ के याद करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी रेट कॉन्स्टेंट के अलावा हमें बाकी दो नाम याद नहीं आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार सुन लीजिए। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं कैपिटल के को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को रेट एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसको डेफिनेशन बता देता हूं कि रेट एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, सो इट इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, जिसमें उस रिएक्शन की रेट को प्रोपोर्शनल किया जाता है या डिपेंड कराया जाता है, जो एक्सप्लेन करता है कंसर्न डिपेंड करती है यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ एक्सप्रेशन बोला जाता है इस पूरी को, और यह रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को टर्म समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इसके अलावा जो लोग नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पर, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।